नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी शर्मा। आई शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद प्रेमी की रात भर जमकर धुनाई हुई। दिन निकलते ही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही गाँव वालों का दिल पसीज गया और उन्होंने मध्यस्थता करते हुए प्रेमी और प्रेमिका की शादी करवा दी। जानकारी के अनुसार मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रामपुर जिले के स्वार निवासी युवक का अजीमनगर थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली युवती के साथ प्रेम संबंध था। प्रेमी अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था। वहीं गुरुवार को देर रात 12 बजे प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका के परिजनों को कुछ आहट हुई तो वे सतर्क हो गए। इससे पहले प्रेमी कुछ समझ पाता, परिजनों ने उसे कमरे में ही पकड़ लिया था। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग आ गए और प्रेमी की धुनाई कर दी। युवक को कमरे में बंद करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को थाना ले गई। गांव के सामान्य लोगों ने समझौता कराने का प्रयास शुरू कर दिया था। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के परिवार शादी के लिए सहमत हो गए। इसके बाद पंडित को बुलाया गया और शादी की तैयारी शुरू हुई। शुक्रवार शाम को प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल अपना जीवन साथी चुन लिया। आज की खास खबर में सिर्फ इतना ही। मैं राजनंदनी आपसे विदा लेती हूँ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।